वेलकम टू सप्तऋषिज एस्ट्रोलॉजी मैगजीन सर. वी आर विथ श्री नलिन देसाई भाई हु हैज बीन डूइंग एस्ट्रोलॉजी सिंस 1962. सर आपका हाउ डिड योर जर्नी इन एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट? सडनली कुछ हुआ था तो मैं आई वॉज विथ दैट टाइम एक्चुअली ग्रेजुएशन के लिए कर रहा था. सडनली संडे मंडे के दिन गया तो बोर्ड पे वो रखा था बाउंस में अपना हॉरोस्कोप. ओके. मेरे को ज़रा इंटरेस्ट हुआ. फिर आई कॉन्टेक्ट गोपाल काका. ओके. गुजरात टाइप फाउंडेशन, वहाँ से रेगुलर जाते आता रहते. एंड हु वॉज योर फर्स्ट गुरु सर? गुरु में तो इतना नहीं है, पर हम श्रीजय कृष्ण स्वामी का मेथड तो फॉलो करता था. लग्ना लग्नाधिपति कारक स्थान स्थान अधिपति कारक एंड लग्नाधिपति, दैट वॉज द फोर मेन पॉइंट. स्थान स्थान का अधिपति कारक एंड लग्नाधिपति. Sir, if you can repeat that in English, the four rules. Sthan means an activity, na su kahi sun. Bhav. Bhav. Bhav ka adhipati. Lord of the house. And lagna and lagna adhipati. And karak of that bhav. Karak of that bhav. Four is the very important. Earlier when we were talking, you were talking about lagnesh. Can you please expand on that, sir? लग्नेश के बारे में क्या बोलेगा. एक्चुअली इट इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. कोई भी अवे सपोज समबडी सेज के लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस इन द ट्वेल्थ हाउस, इट इज अ दारिद्र योग. हम नहीं बिलीव करते हैं. आई हैव सीन लॉट ऑफ कुंडली के लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस इन द ट्वेल्थ हाउस, दे आर मल्टी बिलियनर. व्हाई? बिकॉज द लॉर्ड ऑफ द ट्वेल्थ सेकंड हाउस इज अ वेल प्लेस फ्रॉम द लग्नाधिपति. ओके. एनी भाव का प्लेनेट it must be well placed from the lagnadhipati, it will give the good result. Okay. So the key point, lagnadhipati is the main, where I must be, this is the my property, this is the I is the main in the horoscope. So basically lagnesh is the key point, means you have to judge the horoscope with, from the lagnesh. We suppose if the lagnadhipati in the sixth house, so if it is not aspect by any malefic, तो आदमी क्या करेगा, मेहनत करेगा, रुपए का मिलेगा एक आना. ओके. लग्नाधिपति इफ इट इज इन द सिक्स एट और ट्वेल्थ हाउस, इट मस्ट बी एस्पेक्टेड बाय द मैलिफिक, देन इट विल बी बिकम स्ट्रांग. मैलिफिक. मैलिफिक से एस्पेक्ट होना होता है. ओके. स्ट्रांग टू गिव गुड रिजल्ट. गुड रिजल्ट. गुड रिजल्ट. नहीं तो वीक लग्नाधिपति मीन्स नथिंग. आप मेहनत करेगा, देर इज नो रिजल्ट. ओके. और लग्नाधिपति वीक होएगा तो रेजिस्टिंग पावर कम होएगा, ज़्यादा ठंडी आएगा बीमार हो जाएगा, कुछ भी होएगा ज़्यादा बीमार होएगा. और सेकंड मेन दूसरा क्या है ना, लग्नाधिपति जो लग्न होएगा ना एसेंडेंट, एसेंडेंट और बॉडी का पार्ट वीक आता है. सपोज माई इज द टॉरस एसेंडेंट, बराबर? राइट. तो माई टॉरस एसेंडेंट वेयर एक्चुअली रूल हियर, आई लॉस्ट माई विजन. So sir, can you please repeat it again, sir? Taurus, जो ascendant होएगा ना, ascendant का राशि, right. ascendant का sign, right. वो body का part भी आता है. Irrespective of whether the lagnesh is strong, weak, कुछ भी. Suppose if the धनु लग्न, Sagittarius ascendant, तो उसको ज़्यादा क्या पूछना, तो ये joints उसका weak होएगा. Okay. फर्स्ट मैंने एग्जैक्ट वो तो नहीं है, एग्जैक्ट 180 डिग्री सामने का लेने का राशि को. अभी सपोज माई इज अ टॉरस, राइट, तो एग्जैक्ट अपोजिटन इज अ स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो. तो जो यो जो कुछ नहीं होता था, मेरे को किडनी का प्रॉब्लम आता था. ओके. दैट मीन्स यू आर सेइंग इफ आइस वुड नॉट हैव बीन अफेक्टेड, यू वुड हैव हैड किडनी प्रॉब्लम. स्कॉर्पियो. अभी सेगिटेरियस लिया, तो उसका जेमिनी का पार्ट भी का, तो जेमिनी मीन्स रूलिंग हियर, राइट. लेडीज में तो मोस्टली थायराइड में ज्यादा निकलता ही है. सो फॉर सैजिटेरियस एसेंडेंट, जो एसेंडेंट होएगा ना, वो बॉडी जो साइन, वो बॉडी का पार्ट जरा भी आता है. सर, before we started this, you were talking about some combinations that you found working. For example, you said moon in the fourth house. Fifth house. Fifth. तो legacy मिलता है. Can you give an example, sir, on that?
अभी तो एग्जांपल तो मेरे को इतना याद नहीं है। यू आर टॉकिंग अबाउट समबडी इन बनारस। हां वो एक था तो बनारस में कोई सम एक्चुअली लेडीज ओवरसीज से आया था उधर वो बीमार हुआ तो सम लोकल लेडी हैज एक्चुअली हेल्प हर मैंने उसका लुक आफ्टर किया right. बाद में वो फॉरेन से आया तो लेडी गुजर गई बाद में सडनली ओवरसीज से लेडी का सॉलिसिटर का लेटर आया जो लेडी ने हेल्प किया उसको लुक आफ्टर किया था कि तुम्हारा प्रॉपर्टी है और क्या करने का तो लेडी का 5,000 में मून था 5,000 में मून वाले को किधर से भी पैसा मिलता है लीगसी मिलता है यू सीइंग मैं कभी तो ऐसा देखा कि जाकर अलोन होता है तो पेरेंट्स का भी लीगसी मिलता है ओके some kind of inheritance although 8th house is considered inheritance but you're saying if moon is in the 5th house some from some angle or the other inheritance mere ek ghar pe aata hai is a executive engineer tha to kuch nahi uska mother guzar gaya to mother ne uske naam pe hi will kiya tha bolo dusra brother aur kisi ko nahi usko hi mila tha and usko 5th house mein moon tha okay But what is the logic behind it, sir? If at all there is a logic. Logic के बारे में मालूम नहीं पड़ता है अभी तो. But that's your observation. अबे फोर्थ हाउस में मून है, तो क्या है? वो उसको बड़ा घर में रहने का ये मिलता है. Means big house में उसका house होएगा ना छोटा नहीं होगा बड़ा जरा house होएगा. Okay, so person having moon in the fourth house will have a big house. हाँ. और लेडीज में मून इन द फोर्थ हाउस तो उसका एक इशू ओवरसीज सेटल होता है ओ यू आर सेइंग इफ मून इज इन द फोर्थ हाउस इन स्त्री जातक का देन वन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ दैट लेडी हां ओवरसीज विल मोस्टली बी सेटल्ड ओवरसीज मेरा खुद का वाइफ का मून इन द फोर्थ हाउस ओके माय सन इज सेटल्ड इन ओवरसीज मेरा सिस्टर का डॉटर है उसको फोर्थ हाउस में उसका डॉटर भी ओवरसीज में सेटल हुआ है ओके ऐसा 10-12 औरत को मेरे पास था अच्छी सपोज एनी प्लान इन द फोर्थ हाउस या अरे 12th हाउस ओके वो जिसका कारक होएगा ना उसको लाइफ सपोज मून इन द 12th हाउस तो मदर का लाइफ लॉन्ग लाइफ होता है मदर का ओके एंड हाउ वुड दैट पर्संस हैप्पीनेस बी विद द मदर विद पर्संस रिलेशनशिप विद द मदर अच्छा रहता है ओके सन इन द 12th हाउस सन इन द 12th फादर का लाइफ फादर के साथ हमेशा इन्वर्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा बट द नेटिव विल हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन द फादर जुपिटर होएगा तो उसका ग्रेजुएशन में डबल डिग्री मिलता है ओके मीन द पर्सन वुड हैव डबल ग्रेजुएशन काइंड ऑफ सैटर्न होएगा तो एवरी वर्क ऑलवेज डिले ओके is Saturn in the 12th house all jaldi kabhi bhi kaam hoega nahi lot of second attempt pe hi hoega any house ka lord hoega if Saturn planet in the 12th house to humme is always delay planet for the Saturn is the planet for delay okay and Venus in the 12th house wo acha hai suddenly gain hota hai okay life ka plus bhautik sukh bolte hain थर्डली उसको अच्छा मिलता है अच्छा एक भी आया था बीच में एक छोटी लड़की जा दो घर उसका पेरेंट्स बोलता है नो हम लोग मोबाइल नहीं देगा तो कुछ मेरे को नहीं मांगता है तो उसके बर्थडे आया तो सब लड़के छोटे 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 लोग ने उसको मोबाइल गिफ्ट दिया उसको मून का इफेक्ट था 12th हाउस मतलब जो चीज उसको इच्छा होता है मिलता है कोई भी देखे जाता है दूसरा आदमी देखे जाता है ओके एंड केतु इन द 12th हाउस सर रिलीजियस टेंडेंसी आते हैं राहु इन द 12th हाउस राहु इन द अप्स एंड डाउन बहुत आते हैं इट इज जस्ट लाइक ए सर्प दो साल अच्छा का दो साल गया दो साल अच्छा अच्छा और वेरी एम्बिशियस अच्छा और दूसरा क्या है वो आदमी उसका ज्यादा उसका ही अपना बात करेगा इगोस्टिकल बोस्टिंग अबाउट हिमसेल्फ देखा कर्क लग्न में कर्क लग्न वाला होगा ना अपन 60 मिनट बैठेगा ना तो 40 मिनट उसका ही बात करेगा ओके एंड मार्स इन द 12th हाउस मार्स उसका एक ब्रदर्स का अर्ली डेथ होते हैं ओह ओके
समटाइम्स है ना ऐसा देखा कोई लाइफ लास्टिंग चिल्ड्रन होता है जो होएगा तो इमीडिएटली जो ब्रदर है उसके साथ जमेगा नहीं। सर प्लीज़ रिपीट, सर प्लीज़ रिपीट। मार्स इन द 12th हाउस तो एक ब्रदर्स का लाइफ दिखाता है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में लाइफ होता है। और जो लाइफ नहीं होएगा तो इमीडिएटली जो ब्रदर होएगा ना उसके बाद उसके साथ वो जमेगा नहीं कभी भी। ऑलवेज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, क्वारल, डिस्प्यूट। ओके, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड हाउस राहु। हाँ, तो सेकंड हाउस में राहु होएगा ना तो किसी का आगे का बर्थ में, आगे का लाइफ में किसी लेडी का पैसा वो लोग के घर में आया होएगा ना, तभी राहु ऑलवेज करता है। अच्छा, कैन यू रिपीट सर, दिस इज पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी दैट यू आर टॉकिंग। राहु इन द सेकंड हाउस, ओके, वो पहला एक उसका टीथ का प्रॉब्लम आता है, टीथ प्रॉब्लम। सेकंड, ही ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द फैमिली। ओके, उसका स्पीच है ना हार्श स्पीच, उसको जो गाली देने का है वो दे सकता है। अच्छा, राहु इन द सेकंड हाउस तो जल्दी उठी जब वन ऑफ द पितृ दोष होता है, राइट। हाँ, तो क्या किसी का अन अपना क्या चीटेड वेल्थ, चीटेड पैसा, चीटेड प्रॉपर्टी, इवन फोर्थ हाउस में राहु का भी ऐसा रिजल्ट है। हाँ, आई हैव सीन दैट, इट इज, इट वर्क्स एट टाइम्स। राहु इन फोर्थ हाउस, आई नो टू केसेस, राहु इन द फोर्थ हाउस, दे आर ओनली इन द बिजनेस ऑफ टेकिंग लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज फ्रॉम अदर पीपल एंड नॉट रिटर्निंग इट बैक। करेक्ट सर, वेरी ट्रू। बट सर, यू सेड राहु सिमिलरली है ना, लॉर्ड ऑफ द 8th एंड 10th हाउस, रिपीटेड परिवर्तन है। ओके, तो लोग को बोल जाकर तुम ऑफिशियल बिजनेस मत करो, बिल विदाउट बिल का बिजनेस करो, कम तुम प्रॉस्पर होगा। अच्छा, इट इज वन ऑफ द राजयोग, पंडित टेबल वो लोग को बिजनेस करने का। अच्छा, मींस विदाउट बिल, विदाउट बिल, लॉर्ड ऑफ द 8th एंड 12th परिवर्तन, 8th एंड 12th, 8th एंड 10th। ओके, what if it is not parivartan, if it is 8th lord in the 10th house, then 10th lord in the 8th must be to hota nahi, what if it is not parivartan, agar parivartan nahi hai to kya result hai, to bhi nahi hai, nahi khali parivartan mein parivartan। Acha, aur similarly aisa lord of the 12th house and 10th house parivartan ha to wo log kya foreign ke sath connection aata hai, मगर उसमें एक ड्रॉबैक क्या आता है, एट राउंड अबाउट द एज ऑफ 45 उसका सडनली सेटबैक आता है। अच्छा, इफ द लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस इन द 10th हाउस, राउंड अबाउट द 45 43 44 45, सडनली उसका पैसा कोई खा जाता है, नहीं तो बिजनेस में लॉस आता है, सेटबैक आता है जबरदस्त। अच्छा, एंड व्याधिपति इज द वेरी वेरी बैड प्लैनेट, इफ द व्याधिपति इन द 3rd हाउस, तो वो लोग को क्या है सडनली आगे का क्या है उसको आगे का जो कुछ होने वाला है वो लोग को मालूम पड़ जाता है ना, वो लोग जो बोलेगा ना वो सच पड़ता है, लाइक गुड इंट्यूशन, इंट्यूशन आता है, इंट्यूशन। ओके, एंड उसमें क्या है लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस एंड लॉर्ड ऑफ द 3rd हाउस द परिवर्तन, वो लोग एक तब फॉरेन जाता है खेलने के लिए। ओके, दे गो अब्रॉड। इवन लॉर्ड ऑफ द 1st हाउस एंड लॉर्ड ऑफ द 3rd हाउस का भी परिवर्तन अब्रॉड जाता है। अच्छा, सर यू वर टॉकिंग अबाउट सेकंड हाउस राहु, व्हाट इफ केतु इज इन सेकंड हाउस, देन केतु का इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं होता। अच्छा, फैमिली में ब्रेक्स ये वो नहीं, इतना नहीं होता। Saturn in the second house, what is your observation? Family से separation आता है। वो अच्छा। फिर education में तब break आता है। Break in education. And what about financial dealings of this person? Financial dealings में सब बोलता है, खराब मैंने इसका negative नहीं देखा है। Not even world का beauty देखा है, तो उसको second house में Saturn था, ना world beauty हो गया है। सब बोलता है ऐसा सैटर्न खराब नहीं, उल्टा हम तो पढ़ रहे वर्ल्ड कप ब्यूटी ये हुआ था, टाइटल जीता था। इवन महात्मा गांधी हैड सैटर्न इन द सेकंड हाउस, बट ही वाज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। हां था, ऑफ कोर्स ही वंस स्टोल गोल्ड, बट ही एडमिटेड इट टू हिज फादर दैट आई स्टोल द एज ऑफ 16। थर्ड हाउस सैटर्न
तो बोलता है ना जॉब में कभी भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं लाइफ टाइम में. अच्छा सेटल इन द थर्ड हाउस. अच्छा यू आर ऑल्सो टेलिंग समथिंग अबाउट सैटर्न इन द थर्ड हाउस रिगार्डिंग मैरिज. शादी हो ना विद इन वेरी नियर means the bride or the bridegroom will be born of dono mein se life partner it is very near se aata hai from where you are born. Acha and Saturn in the fourth house. Ha kabhi bhi new chick gaadi lega to second mein lene ka jo naya gaadi liya hai na first day usko scratches padega kuch bhi hoga. Patel sahab had told me the same thing about Saturn in the fourth house. I remember him now. नए लोग को बोलेगा बिजनेस करने का कार तो तुम सेकंड हैंड कार का करो घर अपने को लेने का सपोज इज हाउ तो ब्रांड न्यू नहीं लेने का सेकंड हैंड लेने का. ओके अरे इवन कपड़ा जो पहनेगा हम तो फर्स्ट डे उस पर वो किधर स्ट्रेन होएगा कुछ भी होएगा फट जाएगा कुछ भी होगा. ओके अरे ऐसा जो सैटर्न इन द फोर्थ हाउस होएगा ना तो टू अवॉइड द एक्सीडेंट वो लोग को क्या है जब भी व्हीकल परचेस करेगा ना तो उसको बोलने का मेडिसिन का कुछ दान करके आएगा किसी को मेडिकेशन का दान कर हॉस्पिटल में थोड़ा मेडिसिन अथवा लैंड क्लब में थोड़ा मेडिसिन देने का. ओके फ्री मींस इफ दे परचेज इन न्यू कार नहीं एनी कार एनी कार देन दे गिव डोनेशन ऑफ मेडिकल. 5000 में सेटल हो जाए कभी भी स्पेकुलेशन में नहीं जाने का. अच्छा नहीं वो आदमी वेरी सस्पिशियस ऑफ नेचर का होता है. Fifth house Saturn. Do not go into speculation. मैं कभी उसको जस्ट नहीं मिलेगा. Suppose if वो कोई आदमी मरता होएगा, last stage होएगा, वो पानी पीना, पानी लेने के लिए बोलेगा मेरे को मरने का, तो मेरे को क्यों पानी पिलाया? Okay, suspicious nature. नहीं, negative. उसको जस्ट ही नहीं मिलेगा. They will never appreciate. And in this scenario, for example, say fifth lord is with Saturn, then also no speculation. Fifth lord with Saturn. No speculation. These lord of the Rahu in the sixth house, kabhi bhi disease ka diagnose hoega nahi jaldi. Okay. Lord Rahu in the sixth house, wo log ke saath kabhi bhi jhagda nahi karne ka. Surrender ho jane ka, jhagda nahi karne ka. Don't quarrel with the person who's Lord Rahu in the sixth house. Abhi apna Narendra Modi. हाँ. लास्ट ईयर हमने एमएलए को लिख के दिया गया तुम्हारा नरेंद्र मोदी का हम तुला लगना लेता हूँ. हाँ. उसको सिक्स हाउस में राहु है ना वो जीत जाएगा मैंने नेहरू फैमिली को वाइप आउट कर देगा. फिर उसको दिखाया कितना आदमी को उसने उसके सामने आया तो गया कि शोभाई पटेल सुरेश मेहता वो अपना शंकर सिंह वाघेला जो सूरत का राणा था जो जोशी था अडवाणी भी गया ये भी गया अपना वाजपेयी सब लोग जो उसके सामने गए वो जाता है कभी मारा ऐसा टेंथ हाउस राव में भी ऐसा है वो लोग के साथ मारामारी नहीं करते कॉम्प्रोमाइज. या आई हैव अ फ्रेंड हु हैज टेंथ हाउस राहु नोबडी विंस फ्रॉम हिम ही इज टू कनिंग टू डील विद. नहीं उस लोग का ऐसा है उसको सामने जो लिटिगेशन में गया तो आदमी मर जाता देखा है. भैया कनेक्ट नहीं है वो लोग का पोजिशन स्टेटस मिलता है. लाहु ऑलवेज गिव द वेरी गुड रिजल्ट इन द थर्ड सिक्स टेन एंड इलेवन. इलेवन में राहु जाएगा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होएगा. अच्छा अरे उसमें भी जो नॉन जो सपोज इफ यू हिंदू तो नॉन हिंदू उसको बजाय ज़्यादा हेल्प करेगा. आई थिंक संजय दत्त ने राहु इन द 11th house. I can be wrong. I don't remember his chart now. Narendra Modi's chart. From where you got it, sir? Any particular source? No, उधर क्या गुजरात में किसी ने मेरे को बुक दिया तो उसमें गुजरात का सब लीडर्स का हॉरोस्कोप था उसमें तुला लग्न कभी से दिखता रहता है. चंद्र इन द सेकंड हाउस. चंद्र मंगल इन द सेकंड हाउस. ठीक है. सिक्स हाउस लॉर्ड एंड केतु इन द 12th हाउस. सन एंड मर्कुरी. हाँ केतु ऑलवेज इन द 12th हाउस. तो क्या सब रिलीजियस टेंडेंसी आता है वो देखो घर छोड़ के चला गया था हिमालय में गया है केतु. करेक्ट. I think that was the 40th year. He 40th year, I think so. He also did the Ram Janmabhoomi. Religious. Ketu 12th house view. Religious tendency. Correct. So what about Saturn? Coming back to Saturn, you said about Saturn in the 5th house. Saturn in the 6th house. What do you see? Oh, 12th house ka aspect karega. Correct. कभी भी काम जल्दी होएगा ही नहीं.
life long data because expecting the 8th house. Okay. Saturn in the 7th house. So life partner ke saath age mein distance bahut zyada hai. Sometimes life partner ka age zyada hoga. Sir, kabhi kabhi maine dekha hai. It's a very good point you removed, sir. Saturn in the 7th, we normally accept it as difference in age of between the life partner. But in case there is no difference, then what will happen? क्योंकि वो दोनों का फैमिली का स्टेटस में बहुत डिफरेंस आता है. फैमिली का स्टेटस में तो अपना क्या वो लोग का रहने कहने में बहुत, वो फैमिली लाइफ पार्टनर का फैमिली वो ये फैमिली में बहुत फर्क जाता है. अच्छा अच्छा. एंड सैटर्न इन द 8th हाउस लाइफ इज लॉन्ग देता है. ओके. उन्हें लास्ट एज में बेड रिडन ज़्यादा रहते हैं. अच्छा. मार्स इन द 8th हाउस एब्रप्ट that abrupt. Yeah. Saturn in the 9th house, sir, wo bhi life after 32 ke baad mein rahi jata hai. After 32. Saturn in the 10th house, so kya always always you have to start your career first with the job, then aapko business mein jaana baad mein, but first you have to start with the job. Saturn in the 11th house, so always they have good lawyers. लॉज तो नहीं है, वो लोग जो बात करेगा उसमें भी ऑलवेज दे प्रोटेक्ट द लॉ है, कायदा में हिस्सा है, लॉ में हिस्सा है. टेंडेंसी लॉ टेंडेंसी ज़्यादा आता है. अच्छा. मैं थोड़े जजों को, दो चार जजों को भी पूछा था, मेरे को मतलब मैं 11th हाउस सेटल नहीं कर. अच्छा. एंड सैटर्न इन द 12th हाउस डिले डिले इन एवरीथिंग फॉर द डिले. बट इज देयर सम karma associated with Saturn in the 12th house, like you said about Rahu in the 2nd house, some past life karma? Mm-hmm. What about Saturn, because 12th house is always spiritual house, you know, spiritual house. Okay, so any karma associated with Saturn in the 12th house? Okay. You are talking about Jupiter earlier, you know, when I was setting up the camera. फोर्थ हाउस में जुपिटर होगा ना. हाँ. तो आपका बर्थ प्लेस होगा ना. हाँ. उस नियरेस्ट आजू सराउंडिंग में आइदर वर्शिप का प्लेस मीन्स मंदिर टेम्पल चर्च कुछ होगा. वो जो नहीं है तो कोई स्कूल कॉलेज कैसा होगा, एजुकेशन का इंस्टीट्यूट. ओके. जुपिटर इन द 3rd हाउस. हाँ. वो जातक आइदर फर्स्ट और लास्ट चाइल्ड मोस्ट ऑफ द एकदम बड़ा या नहीं तो छोटा है. अच्छा. सिमिलरली जो आप 9th हाउस में रखेगा तो उसको बोला तुम्हारा लाइफ पार्टनर जाएगा सबसे आगे का कर तो लास्ट चाइल्ड होगा. अच्छा. एंड जुपिटर इन 2nd हाउस फैमिली बढ़ा देते हैं, बिग फैमिली. बट डज द कारक भाव नाश वर्क, ये सब बोलता है मेरे को भी तो इतना कुछ दिखाने दिखाने. जुपिटर इन लग्न अच्छा है, बॉडी ज़्यादा बनाते हैं, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड बाय एनी आफ्टर 35 बल्कि हो जाते हैं. प्लैनेट फॉर द एक्सपेंशन जुपिटर. करेक्ट. उसको वार्न करने का, इवन जो लेडीज के कुंडली में जो फर्स्ट और सेकंड हाउस में जो जुपिटर है वही लेडीज का भी देखे, उसका हेल्थ बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाते हैं, वेट बढ़ जाते हैं, ओबेस. जुपिटर इन 5th हाउस सर कारक का भावना क्या, तो उसमें क्या है कि अपना संतान के इश्यू के बारे में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. सेटिस्फैक्शन तो देखो, सपोज एजुकेशन लेगा तो आपको जब भी रिटायर होगा तब वो सोचेगा चलो अभी मेरा इश्यू क्या है, आई विल रिटायर एंड माय, तो इश्यू को किधर दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो जाता है, लंबा प्लेस पे चले जाता है सर्विस के लिए. अच्छा. सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा इश्यू से. नो. 6th जुपिटर इन द 6th हाउस डायबिटीज देखा है. अच्छा. इवन मून इन द 6th हाउस डायबिटीज. अच्छा. Jupiter in 6th house. Amitabh Bachchan has Jupiter in 6th house. I think it is Vakri, right? Exalted and Vakri. No, it is aspected by Saturn. And a Karma ka guru hai. Correct. Saturn from 4th house is aspecting. Uske liye bacha nahi dega. Alone jo Jupiter hota na hai. So total it is a very bad Jupiter in the Karma. It gives the dasa. Dasa gives very bad result. अच्छा. अरे आदमी जेल में जाता देखा है. हाँ. पैसा सब देवादार हो जाता है. मीन्स इफ जुपिटर इन द 6th हाउस. नहीं, जुपिटर कर्क का गुरु होगा, फोर्थ कर्क राशि में. हाँ. कैंसर में जुपिटर होगा, उसका दशा नाम होता है.
कोई भी लगना, कोई भी लगना, कर गुरु, कर गुरु यानी दशा। अच्छा, जुपिटर इन सेवेंथ हाउस सर, सम स्पेशल पॉइंट्स, इट इज एस्पेक्टिंग द एसेंडेंट, करेक्ट। तो क्या है, जरा इगोइज्म ज्यादा आता है, ईगो ज्यादा आता है। जुपिटर प्लैनेट ऐसा है ना, दे विल नेवर, दे नेवर लाइक टू गिव एडवाइस, अपन इसको एडवाइस देगा ना उसको जमेगा नहीं। Okay. उसको हैबिट है दूसरों को एडवाइस ज्यादा देने का, वो लोग का एडवाइस अपन फॉलो नहीं करना। सपोज इफ वी गो रॉन्ग, तो सारा दिन देखा ना, हमने बोला था आपको, हमारा सुना नहीं है, अच्छा हुआ, ऐसा देगा सारा दिन वो लोग ऐसा बोलेगा। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ गिविंग द एडवाइस, इवन जुपिटर इन द फोर्थ हाउस भी ऐसा रिजल्ट दिए। अच्छा, हाँ, वो लोग को एडवाइस देने का बहुत आता है। Yeah, actually you're right. A relative of mine, she has Jupiter in the fourth house. Although she has very little knowledge in the world, but she loves to give advice to everybody. Everybody. That's true. Jupiter in eighth house, sir? मैं बोला ना, blessing किसी का काम करता है। Blessing of whom, sir? Some old persons, बस वो हमने देखा नहीं है। Jupiter in the eighth house, हमने देखा है तो किसी old persons का आपको ब्लेसिंग मिला होगा, वो ब्लेसिंग के बजाय अपना लाइफ स्मूथली बाहर निकल जाता है, लिगेसी भी मिलता जो है। अच्छा, सो इट कैन बी अ पर्सन हुज डेड और अलाइव फॉर ब्लेसिंग्स। हाँ, बस वो मैंने एक आदमी को ब्लेसिंग, फिर हमने बोला था कि मेरे को जिसको, उसने आदमी का मेरे को एक जुपिटर है, तो मेरे को ऐसा दिखा था, ऐसा ओल्ड आदमी है, उसका राउंड पैक है, ऐसा आदमी ने तेरे को ब्लेसिंग दिया। Mentioned sir. Can you repeat what you said? No, वो लोग ने मेक somebody has met me. Okay. तो मैं actually उसको के intuition आता था. हाँ. तो मेरे को 8000 में Jupiter है. Okay. That means मेरे के ऊपर किसी का blessing है. Okay. तो मेरे, मैं उसको बोला कि you give me the actually description of the person who has given me the blessing. Okay. वो आदमी का पर्सन दिया था, वो वेल्ड इसका दिखता है, उसने ये चश्मा जो है, तो उसका इसका fancy चा round glass का चश्मा उसने डाला है। व्यालीपति जिधर बैठा ना, हाउस को डैमेज करता है। करेक्ट, करेक्ट, ट्रू सर, वेरी ट्रू। 11th जुपिटर सर, 11th में अच्छा है, फ्रेंड सर्कल अच्छा मिलता है, फिर इनको उधर लड़ने में हाई प्रोफाइल का आदमी लोग आपका सराउंड में आता है। एंड 12th जुपिटर यू सेड डबल ग्रेजुएशन, सर व्हाट अबाउट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लैनेट्स, कॉम्बिनेशंस लाइक मार्स राहु, सन राहु, यू आर टॉकिंग अबाउट सन राहु अर्लियर, सन राहु का देखा है वो सब बोलते हैं खराब है, मतलब अच्छा गिनता हूँ। Why sir? Why? What is the result you have seen? It is actually direct planet को positive result है, positive direct आपका भी should not be taken as a negative, खराब है। Direct even 6000 में अच्छा result है, 8 में भी अच्छा है, 12 में भी अच्छा है। तो सूर्य राहु का combination में क्या religious tendency आता है, sudden अच्छा कोई गुरु का blessing मिलता है। अच्छा, पहले रिलीजियस टेंडेंसी आता है। ओके, कल ही एक लेडी आया था तो हाँ बोला है, वो रिलीजियस टेंडेंसी है। अभी सपोज गुरु सूर्य राहु शुक्र से सन से विनस से 12 राहु में सूर्य राहु है, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होता है, डिवोर्स होता देखा है। विनस, विनस से सूर्य राहु इन द 12th हाउस। ओके, कल ही एक आया था, लग्न में विनस था, 12 में सूर्य राहु था। ओके, अच्छा तुम्हारा डिवोर्स था, फादर के साथ जमता नहीं, नहीं लेडी था, नहीं जमता कि राहु इन द 12th हाउस एक तो ओवर एम्बिशियस होता है। सर व्हाट अबाउट राहु मार्स कॉम्बिनेशन इन द